कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंसियों का हाथ बता दिया है। साथ ही राजनयिक को तुरंत देश छोड़ने का आदेश सुना दिया है। हालांकि भारत ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए निज्जर की हत्या को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक आतंकवादी की हत्या हुई है और उससे उनका कोई लेना देना नहीं। आपको बता दें कि इसी साल जून के महीने में निज्जर की हत्या हुई थी। इसके बाद कनाडा में इस हत्या की जांच के लिए सरकार पर काफ़ी दबाव था। दरअसल खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को हत्या के बाद ये मामला लगातार गर्मा रहा था। कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर उन्हें गोली मारी गई थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। निज्जर पंजाब के जालंधर के एक गांव भार सिंह पूरा का रहने वाला था। वो 1997 में भारत से भाग गया था और फर्जी पासपोर्ट और वीजा के सहारे कनाडा पहुंचा था। कनाडा में उसने प्लम्बर का काम किया लेकिन वीजा के लिए 10 दिन के भीतर ही उसने कनाडाई मूल की एक लड़की से शादी रचाई जिससे उसके दो बेटे। कनाडा में रहते हुए निज्जर का खालिस्तानी उग्रवाद से संबंध हो गया और लगातार वो इसके लिए काम करता रहा। वो खालिस्तानी टाइगर फोर्स जो कि प्रतिबंधित आतंकवादी समूह है उसका वो मास्टरमाइंड बन बैठा। सिख फॉर जस्टिस ईसी का हिस्सा है। उसे 2020 में भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया था और NIA ने 10 लाख का इनाम घोषित किया था। उसने साल 2007 में एक मंदिर के बाहर बम विस्फोट कराया जिसमें 6 लोगों की मौत हुई जबकि 40 लोग घायल हुए थे। वो राष्ट्रीय सिख संगत के अध्यक्ष रूलदा सिंह पटियाला जो कि साल 2009 में हत्या हुई थी उसमें भी शामिल था। साल 2010 में पटियाला में मंदिर के बाहर एक बम विस्फोट हुआ था जिसमें भूमिका उसके सामने आई थी। ब्रिटेन में भी एक रहने वाले एक आतंकवादी परमजीत सिंह पन्ना भी इस मामले में आतंकवादी घोषित। धीरे धीरे उसकी पहचान कनाडा के सिख समुदाय में एक नेता के रूप में होने लगी। इसके बाद उसे ब्रिटिश कोलंबिया के सारे शहर में गुरु नानक गुरुद्वारे का निर्विरोध प्रमुख चुन लिया गया और इसी के बाद वो कनाडा में एक बड़े सिख नेता के तौर पर धीरे धीरे विख्यात होता रहा। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर वो कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने लगा और एक बार तो वो पाकिस्तान भी गया था जिसका खर्च ISI ने दिया था। उसने कनाडा में कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया और उन्हें साजिश के तहत कई बार वहां हंगामा भी कराया। 2015 में भी उससे हिंदू नेताओं का निशाना बनाने के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 2006 में उसके खिलाफ मनदीप धालीवाल ट्रेनिंग और फंडिंग के साथ हिंदू नेताओं की हत्या में साजिश का आरोपी बनाया गया था। साल 2015 और 2016 में निज्जर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर और रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। फरवरी 2018 में कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो भारत आए थे। इस दौरान उनकी मुलाकात पंजाब के CM अमरिंदर सिंह से हुई थी। अमरिंदर सिंह ने तब ट्रूडो को खालिस्तानी आतंकवादियों की एक लंबी लिस्ट सौंपी थी। इस लिस्ट में हरदीप सिंह निज्जर के अलावा गुरजीत सिंह चीमा, मलकीत सिंह, गुरजिंदर सिंह पन्नू, मनदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह प्रीत के नाम शामिल थे। 2022 में पंजाब के जालंधर में एक हिंदू पुजारी की हत्या रचने का और उसकी हत्या कराने के आरोप में NIA ने 10 लाख रुपए का निज्जर पर इनाम रखा था। पंजाब के पूर्व CM बेअंत सिंह हत्याकांड में शामिल जगतार सिंह तारा को 2012 में 10 लाख रुपए उपलब्ध कराए गए थे। उसने 2014 में 5 लोगों के साथ मिलकर खालिस्तानी टाइगर फोर्स की स्थापना की थी। भारत में जब कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन चल रहा था उस दौरान भी उसने विदेश में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तानी सिख संगठनों के साथ जस्टिस फॉर सिख के लिए आतंकवादियों का प्रदर्शन कराया था। इस मामले में NIA ने भारत सरकार के खिलाफ भावनाओं को भड़काने के आरोप में FIR दर्ज की थी। FIR के मुताबिक आरोपियों ने भारत सरकार के खिलाफ जमीनी अभियानों और दुष्प्रचार के लिए भारी संख्या में और भारी मात्रा में धन खर्च किया और उनका मकसद था लोगों को विदेश में भारतीय दूतावासों के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए उकसाना। इसमें 3 आतंकवादी गुरपंत सिंह पम्मू, परमजीत सिंह पम्मा और हरदीप सिंह निज्जर का नाम शामिल था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।